नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। डीएसपी मुख्यालय वीरेंद्र सिंह ने दी जानकारी। एनडीपीसी एक्ट के तहत जब्त नशीले पदार्थों को किया गया नष्ट। जब्त किए गए थे 5182 किलो नशीले पदार्थ। सीआईए 3 की टीम ने अवैध देसी पिस्तौल लेकर घूम रहे युवक को किया गिरफ्तार। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में दो और आरोपितों को किया गया गिरफ्तार। पत्नी और प्रेमी को भेजा गया जेल। अमृत महोत्सव के तहत पानीपत संग्रहालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शतरंज ओलंपियाड की मशाल का किया गया स्वागत। जिले में कोरोना के केस बढ़ते देख स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन का पालन कराने के लिए हुआ विवश। अधिकारियों ने शुरू किया बैठकों का दौर। निर्देश जारी। कोविड संक्रमित शव को रखने से अंतिम संस्कार तक गाइडलाइन का किया जाए पालन। बत्रा कॉलोनी के दिव्यांग रविंदर की मौत की सुलझी गुत्थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा। हत्या नहीं बल्कि की थी आत्महत्या। सेक्टर 24 की महिला ने चांदनीबाग थाना पुलिस में एम्बुलेंस चालक के खिलाफ दी दुष्कर्म की शिकायत। अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी देकर किया था ब्लैकमेल। पसीना कला रोड पर साइड मांगने के विवाद में कांग्रेस नेता के भाई सहित चार को पीटा। सेक्टर 29 थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। बीजेपी का बढ़ा कुनबा। कस्बे के नगर पालिका चुनाव में निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीतने वाले 8 पार्षद भी हुए बीजेपी में शामिल। सभी को पटका पहनाकर करवाई गई पार्टी ज्वाइन। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ नमस्कार।